आज जो है 8 अगस्त के दिन कॉमनवेल्थ गेम समाप्त हो गया है, इसी के लिए जितने हमारे भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और इसके बारे में जो भी एग्जाम से क्वेश्चन आने वाले होंगे उस सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल खेला गया है, ठीक है ना, 22वें राष्ट्रमंडल खेल खेला गया 2022 में, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम कहेंगे, ठीक है ना। ये गेम का जो थीम था, थीम क्वेश्चन पूछता है, थीम यानी आदर्श वाक्य क्या था, गेम्स फॉर एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन इसका थीम था। इसके बाद देखेंगे बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुभंकर क्या था, तो पेरी द बुल था, ठीक ना। इसके बाद देखिएगा ये जो गेम था कहाँ खेला गया था, ठीक ना, ये गेम जो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेला गया था, ठीक ना। आप यहाँ देख सकते हैं इसका स्टेडियम को भी देख सकते हैं, ये देखिए यही जो स्टेडियम है बर्मिंघम, ठीक ना, और इस स्टेडियम का नाम जो है अलेक्जेंडर स्टेडियम है, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक ना। इस बार जो गेम 2022 का गेम खेला गया है वो इंग्लैंड में खेला गया है, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग देख सकते हैं। देखेंगे बच्चों यहाँ पर इसका आयोजन जो हुआ था 8 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में किया गया है, ठीक है ना। इसमें टोटल जो टीम जो भाग ली है वो 72 टीम भाग ली है, लगभग 6500 एथलीट इसमें भाग लिए हैं। इसके साथ साथ और भी देखेंगे, इस बार इस गेम में, इस कॉमनवेल्थ गेम में क्या पहली बार महिला ट्वेंटी क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, पहली महिला क्रिकेट टीम को भी शामिल कर लिया गया है। अब चलिए इसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते, कुछ इसके इतिहास जान लेते, कॉमनवेल्थ गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ है। तो देखेंगे पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में स्टार्ट किया गया था, और कहाँ स्टार्ट गया, हैमिल्टन कनाडा में स्टार्ट किया गया था बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भारत ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलो 2022 के लिए, देखेंगे यहाँ पे जो बोल रहा है बच्चों, देखिए भारत जो है इस बार, ठीक है ना, लगभग 107 आधिकारिक टीम भेजी थी, ठीक है ना, और जो एथलीट हैं वो 215 एथलीट भेजे थे 2022 की जो गेम हुआ है कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में, ठीक है ना। ये इसमें जो टोटल एथलीट कितने भाग लिए हैं, 215, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको कि कुल कितने एथलीट भाग लिए हैं, तो 215, और जो आधिकारिक लोग जो थे 107 आधिकारिक टीम भेजी गई थी, ठीक है ना। अब इसका देखिए क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत के उद्घाटन समारोह ध्वजवाहक पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उन्होंने किया था, और पुरुष ध्वजवाहक जो थे वो मनप्रीत सिंह जी जो हॉकी खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देख लेंगे पिछले सालों को जब जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ है और कब कब कहाँ हुआ है उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पास लगभग 6 गेमों के बारे में देखेंगे यहाँ पास। देखिए बच्चों जो इस बार जो गेम खेला गया है वो 2022 है, ठीक ना, कहाँ खेला गया, बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया। इसके पिछले कहाँ खेला गया था, 2018 में खेला गया था, गोल्ड कॉस्ट में खेला गया था, ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। इससे पहले कहाँ खेला गया था, 2014 में जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेला गया था, और 2010 में जो है दिल्ली भारत में, हम अपना देश में खेला गया था। इससे पहले कहाँ खेला, 2006 में जो था दोस्तों, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, और 2002 में जो था मैनचेस्टर इंग्लैंड में खेला गया था, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि पहला जो हम लोग जो गोल्ड मेडल जीते हैं या कांस्य पदक जीते हैं या ब्रॉन्ज पदक जीते हैं और पहला किसने जीता है। तो देखिए बच्चों जो पहला भारत की जो टीमें थी, ठीक है ना, वो कब खेली थी, देखेंगे यहाँ पास, यहाँ भारत की जो टीमें थी वो 31 जुलाई को खेली थी और लगभग 6 पदक जीते थे, ठीक ना। इसमें 3 गोल्ड था, 2 सिल्वर था, 1 ब्रॉन्ज था। अब देखिए पहला जो हमारा जो पदक था वो देखेंगे ये थे, ठीक है ना, पहला पदक जो था उस संकेत शाकिब सरगर, ठीक है ना, पहला मेडल जीते थे जिन्होंने, सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं ये क्या थे, सिल्वर मेडल, और किस क्षेत्र में जीते हैं, तो वेट लिफ्टिंग में, ठीक है ना, ये 55 केजी के वेट लिफ्टिंग में जीते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला जो दूसरा जो पदक है वो है गुरुराज पुजारी, ठीक है ना, इन्होंने पहला जो पदक जीते हैं ये ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो है मीराबाई चानू, ठीक है ना, ये पहला गोल्ड मेडल जीते, ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है, पहला गोल्ड मेडल जो 2022 का किन्होंने जीता है, तो मीराबाई चानू ने जीता है, ठीक है। इसका चौथा जो पदक है वो बिंदिया रानी ने जीती है, ठीक है ना, और जो छठा जो है, ठीक है ना, देखिए फिर दूसरा गोल्ड मेडल जो है जेरमी लाल चुंगा, देखो ये नया जो खिलाड़ी है, इस बार क्वेश्चन इनका बन सकता है, गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके बाद जो है बच्चों, ठीक है ना, अचिता सेवाली, ठीक ना, ये तीसरा गोल्ड मेडल जीतने वाली हैं, ठीक है ना। और सबको यहाँ पे एक लिस्ट बनाकर हम लोग देख लेंगे कि किन्होंने कौन सा गोल्ड मेडल या कौन सी पदक जीते हैं। देखेंगे पहला जो पदक है वो साकेत सारागर सिल्वर जीते हैं, 65 किलो वेट लिफ्टिंग का है। दूसरे नंबर पे है गुरुराज पुजारी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके बाद मीराबाई चानू गोल्ड मेडल वुमेंस,
49 केजी वेब लिफ्टिंग का है, ये सारे जो खिलाड़ी जो हैं ठीक ना वेट लिफ्टिंग के हैं ठीक ना सारे जो ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन गोल्ड मेडल जीते, यही इंपॉर्टेंट हो सकता है। मीराबाई चानू दूसरा है गोल्ड मेडल जीतने वाले ठीक है ना, यहाँ पे जेरमी ठीक है, तीसरा अचिता ठीक है ना, ये तीनों क्या है गोल्ड मेडल जीते हैं ठीक है ना। चलिए इसके बाद के आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों यहाँ पे एक एक करके सारे चीज़ को यहाँ पे लिस्ट भी बना के, जैसे आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ठीक है ना, उसी चीज़ को मैं लोग दिखा लेते हैं यहाँ पे। देखिए सारे जितने भी जो मैचेस के जो पदक जीते हैं और सारे चीज़ें यहाँ पे नाम के साथ दिखाया जाए, क्या एक एक नाम बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है ना। एक एक करके इसको हम स्क्रीन पर दिखाते जा रहे हैं, आप इसको क्या करें स्क्रीनशॉट या राइट डाउन कर सकते हैं ठीक है ना। इतने सारे पदक जीते थे, इसके बाद ये 4 अगस्त के डेट का डेट पदक है, 4 अगस्त की जो मैच खेली गई थी उनके पदक है ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले पेज पे आते हैं, उसका भी लिस्ट देख लेंगे आप। ये जो गेम है 6 अगस्त की हुई थी ठीक है ना, 6 अगस्त की जो खेली गई थी गेम ठीक है ना, उसमें ये सारे पदक जीते हैं मुरली सिरवर, सुधीर, अंशु मलिक, बजरंग पुनिया, साजिक मलिक, दीपक पुनिया ठीक है ना, ये सारे जो हैं पदक जीते हैं ठीक है ना। आपको मेन है सिल्वर गोल्ड वाले जितने भी हैं आप उनको याद कर लेंगे ठीक है। चलिए अगले पेज पे भी आ जाते हैं, यहाँ देखिए 6 अगस्त वाले भी हैं, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि काफ़ी लंबा बहुत सारे लोग हैं तो सारे को बताना इम्पॉसिबल, इसलिए स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहे हैं आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर रिमेंबर कर सकते हैं ठीक है। देखिए इस तरह से जो भारत जो है इस बार जो है चौथे स्थान पर रहा है, गोल्ड मेडल पे कितने स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर रहा है। पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा है, पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा है। टोटल जो है 67 गोल्ड जीता है, कितना 67 गोल्ड जीता है, सिल्वर 57 जीता है, ब्रॉन्ज 54 जीता, टोटल इसकी जो पदक हो गई है 178 है, इसी पर 178 पदक लेकर ये फर्स्ट पर रहा है। इसके बाद इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है जहाँ मैच खेला जा रहा है, इंग्लैंड इन्होंने गोल्ड 56 जीता है, सिल्वर 65 जीता है, ब्रॉन्ज 53 जीता है, इसने टोटल पदक जो जीता है 175 जीता और इस पर दूसरे नंबर पर रहा है। तीसरे नंबर पर कनाडा है जिसने गोल्ड 26 जीता है, सिल्वर 32, ब्रॉन्ज 34 और टोटल उन्होंने 92 यानी ये तीसरे पदक पर रहा। चौथे नंबर पर भारत रहा है जिसने गोल्ड 22, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज 23, इससे मिला के टोटल इनके पदक जो हो गए 61 हो गए हैं ठीक है ना, और इसे चौथे स्थान पे बना रहा है। और पांचवा स्थान पर न्यूजीलैंड जिन्होंने गोल्ड 20, सिल्वर 12, ब्रॉन्ज 17, इसे कुल मिलाकर 49 पदक जीत कर इन्हें पाँचवें स्थान पर रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।